बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस बार जैन फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा आयोजित स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए जैन फेस्ट 2023 का आयोजन 27 जनवरी से 29 जनवरी तक डीएवी कपिलदेव ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के तमाम स्टार्टअप हिस्सा लेंगे एवं अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इनोवेटिव आइडिया के साथ राज्य भर के तमाम युवा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। जैन फेस्ट में राज्य के कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा कई विशेषज्ञ भी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि यह एक अच्छा आयोजन है, इससे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। गैर सरकारी के तौर पर स्टार्टअप मेला पहली बार आयोजन किया जा रहा है। पहली बार मैं कह सकता हूँ कि गैर सरकारी तौर पे ये प्रयास किया जा रहा है और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के झारखंड के युवा हमारे साथी जो हैं उन लोगों ने मिल करके इस काम को शुरुआत किया है। सरकार में बहुत सारी योजनाएं बनी, पॉलिसी बना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये वो, सिंगल विंडो, लेकिन सब एक तरह से धरा का धरा रह गया। कहीं कोई रियल सेंस में कोई इंटरप्रेन्योर्स को मददगार नहीं हुआ है। जैन फेस्ट जो हो रहा है एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन हैंड होल्डिंग का काम करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोडक्ट भी देगा, उसका जो है डीपीआर भी तैयार करेगा, बैंकिंग से भी टाई अप करेगा और सरकार से भी उनका टाई अप करेगा। हमारी मांग है सरकार से कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करे और एक एसपी भी है ना, एसपी भी बनाए, जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करे, वो फैसिलिटेटर हो, सरकार डिक्टेटर नहीं हो। इसके साथ जैन फेस्ट आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक अच्छा समय है। हम लोगों ने इस जैन फेस्ट के माध्यम से रोजगार सृजन करने के लिए पहल किया है। अगर एक स्टार्टअप अगर 3 लोगों को भी रोजगार मुहैया कराते हैं तो नंबर्स ऑफ स्टार्टअप जैसे बढ़ेंगे, हम रोजगार भी उतने ही नंबर्स और कम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स में बढ़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस जैन फेस्ट का कार्यक्रम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा क्यूरेट किया गया है और इसका उद्देश्य बहुत ही सरल और समाज से जुड़ने वाला उद्देश्य है और युवाओं से खासकर जुड़ने वाला उद्देश्य है कि हम लोग युवाओं के माइंडसेट को कैसे हम लोग स्टार्टअप के प्रति जागरूक करें। ये जैन फेस्ट तो सिर्फ एक माध्यम है हमारे सोशल करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जैसे सोशल करंट प्रॉब्लम्स में हुआ आंगनबाड़ी में माल न्यूट्रिशन, झारखंड का सबसे मेजर प्रॉब्लम है न्यू मदर्स और चिल्ड्रन का माल न्यूट्रिशन, या फिर सेक्स वर्कर्स का रिहैबिलिटेशन हुआ, ठीक है, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट हुआ। कास्ट समाज, समाज को कुछ ना कुछ देने का काम किया है और आगे आकर मदद करने का काम खास समाज ने किया है और हम लोग उसी के तहत, ये कोई व्यक्तिगत किसी समाज का एक वर्ग का एक समाज का केवल नहीं है, ये हम लोगों ने पूरे हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए इस आयोजन को किया है। कोई जातीयता की बाध्यता नहीं है। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।